की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने कहा, कम अकल हुक्मरान हर कदम अपने खिलाफ उठाते हैं। शेख रशीद के ट्वीट में कहा गया कि अगर इमरान खान की कॉल पर फैसला चौक और चौराहे में होना है तो झाड़ू फिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीक नहीं करेगी तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब आला अदालतों से मुंसलिक है। शेख रशीद ने मजीद कहा, 4 अक्टूबर को नायब तरमीम केस की समाअत भी अहम है। 2 हफ्तों से बिलावल भुट्टो अमरीका में मजे का रहा है, उसे सिंध के सैलाब जदगान की कोई फिक्र नहीं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने मुंतबा किया कि सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीक नहीं करेगी तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार सरबरा अवामी मुस्लिम लीग साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हालिया ट्वीट में किया। इन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के जरिए जारी पैगाम में कहा, इमरान खान की नहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। कामअकल हुक्मरान हर कदम अपने खिलाफ उठाते हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि 2 हफ्तों से बिलावल भुट्टो अमरीका में मजे कर रहा है, उसे सिंध के सैलाब जदगान की कोई फिक्र नहीं। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब आला अदालतों से मुंसलिक है। 4 अक्टूबर को नैब तरमीम केस की समाअत भी अहम है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर फैसला चौक और चौराहे में होना है तो झाड़ू